हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पॉलिनोमियल चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें आपसे कहा है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इज टू, -7 एंड -14 रेस्पेक्टिव। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखिए और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोज हैं उन जीरो हमें गिवन नहीं है, लेकिन उन जीरोज का सम प्रोडक्ट एट्सेट्रा हमें गिवन है। तो चलिए सोल्व करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, अब यहाँ पर आपसे कहा है सम ऑफ जीरोज, इट मीन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें गिवन है। पहले नंबर पर जो कि 2 है, ठीक है, इसको हम एस लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो एस है, दैट इज 2। उसके बाद हमसे कहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, एक साथ दो जीरोज ले लें, यानी कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, बीटा गामा का प्रोडक्ट और गामा अल्फा का प्रोडक्ट, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास -7 है। तो इसको हम एस डैश पुट कर लेते हैं, -7, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इज -14, यानी कि अल्फा बीटा गामा ये हमारे पास -14 है, इसको हम पी पुट कर लेते हैं, ठीक है। जब आपको किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम गिवन हो, यानी एस, और दो जीरोज का प्रोडक्ट लेकर फिर उन सबको हम ऐड करें, यानी एस डैश वो गिवन हो, और तीनों जीरोज का प्रोडक्ट यानी पी अगर गिवन हो, और हमसे कहा जाए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखिए, तो वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वेयर प्लस एस डैश एक्स माइनस पी, यानी कि एक्स क्यूब इसका कोफिशियंट, यूनिट कोफिशियंट पॉजिटिव, फिर माइनस एस एक्स स्क्वेयर, एस होगा अल्फा बीटा और गामा का टोटल, फिर है प्लस एस डैश एक्स, एस डैश क्या होगा हमारे पास अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा का टोटल, एंड माइनस पी जो कि प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा गामा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में एस अपने पास 2 है, 2 एक्स स्क्वेयर प्लस में एस डैश अपने पास -7 है, इसको पुट कर देते हैं, और इसके साथ अपने पास एक्स माइनस में पी जो कि -14 है। ओके, अब अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वेयर -7x प्लस 14, ये रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, जब आपको सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन एट टू एट ए टाइम, या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट गिवन हो। तो अगर आपको जीरो भी गिवन है, मान लो तीनों जीरो गिवन होते, तो आप ये चीज़ें उनसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर उसको इसमें पुट करके आप ये पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ज़रा भी आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।